अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, हेलो हाउ आर यू एंड दिस इज़ फराया टीचर फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट रेनबो कलर्स नेम। व्हाट आर रेनबो कलर्स नेम? रेनबो कलर्स आखिर होते क्या हैं, कब नज़र आते हैं और कैसे दिखते हैं? आज के मेरे इस वीडियो में मैं इन सारे सवालों के जवाब देने जा रही हूँ, ठीक है? और आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेगा ये टॉपिक, आई एम 100% श्योर। क्या आपने कभी रेनबो देखी है आसमान पे ना बारिश के बाद? रेनबो होती क्या है? रेनबो कौसे कज़ा गिरा? रेनबो कलर्स कौसे कज़ा के रंग, कौसे कज़ा के रंग, कौसे कज़ा के रंग, यानी जब रेन मीन्स क्या होता है? रेन का मतलब बारिश। चलें अब पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं। रेन बारिश, एंड बो कमान। आपने कभी तीर कमान सुना है? तीर और कमान, तीर तो स्ट्रेट होता है, ठीक है, तीर ऐसा हो गया, और कमान कैसी होती है, यानी बो कैसी होती है, इस टाइप की, थोड़ा सा कर्व, थोड़ा सा तिरछापन होता है उसमें। आप कहते हैं ना बो, एरो एंड बो, आपस में इसका बहुत गहरा ताल्लुक है। कभी आप लोगों ने अर्तुगरुल में, उस्मान में देखा होगा पिक्चर में किस तरह वो तीर और कमान का यूज़ कर रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह बारिश के बाद जब कौसे कज़ा के रंग बिखरते हैं ना, तो वो भी इसी सीक्वेंस में, इसी शेप में निकलते हैं, ठीक है, आसमान पे इसी तरह बिखर रहे होते हैं, बिल्कुल बो लाइक, कमान की तरह। इसीलिए इसे क्या हो जाता है? रेनबो, यानी कौसे कज़ा के रंग, बिल्कुल कौस कमान, कौस कह लें, कमान कह लें, बो कह लें, सेम, ये सारे एक जैसे ही वर्ड हैं। और इसकी किस तरह फॉर्मेशन होती है, किस तरह बनते हैं? जब सन रेज जो होती हैं वो ड्रॉप ऑफ वाटर, सन रेज क्या होता है? सन रेज ड्रॉप ऑफ वाटर, ये ड्रॉप ऑफ वाटर है। सूरज की जब रेज ड्रॉप ऑफ वाटर बारिश के कतरों पे पड़ती है ना, तो वो रिफ्लेक्ट होके क्या होता है, इस तरह के 7 कलर्स में रिफ्लेक्शन होती है। इसकी रिफ्लेक्शन कैसी होती है? 7 कलर्स में होती है, ठीक है। ये 7 कलर्स के तौर पे जो है वो आसमान पे बिखरते हुए नज़र आते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी ड्रॉप ऑफ वाटर जो आसमान में मौजूद होते हैं सूरज की रोशनी उन पर जब पड़ती है, तो क्या होते हैं, 7 कलर्स आपको आसमान में नज़र आते हैं। बहुत ही हसीन, बहुत ही खूबसूरत वो मंज़र होता है, जो चाहते हैं कैप्चर कर लें कैमरे की आँख में ना, उसको कैद कर लें। और आपने कभी देखा है? मैंने तो देखा है अपनी लाइफ में, जब ना बारिश के बाद बहुत हसीन नज़ारा होता है। कभी आप गौर करें, कभी आप देखें, इंजॉय करें बारिश को, और उसके बाद आसमान की तरफ नज़र डालें तो आपको नज़र आता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि वो हर बारिश के बाद नज़र आए, कभी कभार समटाइम्स ऐसा होता है कि नज़र आती है। और इनके तरतीब, इनके सिक्वेंस भी ऐसे होते हैं कि देर आर 7 कलर्स एक ही तरतीब से होते हैं, बार बार चेंज नहीं होते, कोई तरतीब चेंज नहीं होती, वही सिक्वेंस वही ऑर्डर में होते हैं। देर आर 7 कलर्स, और इसके 7 कलर्स होते हैं, 7 रंगों में होते हैं। किस तरतीब से होते हैं? नंबर 1 रेड, नंबर 2 ऑरेंज, थ्री येलो, नंबर 4 ग्रीन, नंबर 5 ब्लू, 6 इंडिगो, 7 वायलेट। देयर आर 7 कलर्स ऑफ रेनबो, 7 कलर्स होते हैं और इसी तरतीब से हमेशा नज़र आते हैं, कभी चेंज नहीं होगी। जब तक अल्लाह का हुक्म है तब तक ये कलर्स की तरतीब भी वही रहेगी और कलर्स भी वही रहेंगे, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। कौन कौन से? रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि मैंने रेनबो को किस तरह एक्सप्लेन किया है और उसके फॉर्मेशन बताई है, वो कब नज़र आते हैं, कैसे नज़र आते हैं।
इस वीडियो के ज़रिए आपको बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा, माइंड में कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ मुझे बताइए अपने मैसेज के थ्रू। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल नॉलेज राइट वन, और शेयर करना मत भूलिएगा। कीप वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।